नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार वीडियो में। तो आज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ चार्जिंग स्पीड का कंपैरिजन Redmi Note 9 Pro Max का Realme 6 Pro के साथ। दोनों में ही आपको काफ़ी सिमिलर चार्जर देखने को मिल जाते हैं। तो Redmi Note 9 Pro Max में आपको देखने को मिल जाता है 33 वोल्ट का एडेप्टर, और यहाँ पे कंपनी ये क्लेम करती है कि अप टू 50% बैटरी चार्ज हो जाएगी आपकी 30 मिनट्स में। तो वहीं पे Realme 6 Pro में आपको देखने को मिल जाता है 30 वोल्ट का एडेप्टर, और यहाँ पे भी कंपनी ये क्लेम करती है कि एक घंटे के अंदर आपका फ़ोन पूरा चार्ज हो जाएगा। पर यहाँ पे एक घंटे के अंदर फ़ोन पूरा चार्ज नहीं होता, इसका ऑलरेडी मैंने टेस्ट किया हुआ है, तो अप्रोक्स 70 मिनट या 75 मिनट तक ये ले लेता है। इन दोनों फ़ोन का हम कंपेरिजन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन जल्दी यहाँ पर चार्ज होता है। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, दोनों ही फ़ोन को मैंने कम्प्लीटली ड्रेन कर दिया है, 0% बैटरी कर दी है। ये जो तीसरा फ़ोन आप देख रहे हैं ये चार्जिंग टेस्ट में नहीं आएगा, पर टाइमर के लिए काम आएगा। 3 साल पुराना फ़ोन है तो अभी टाइमर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं तकनीकी वर्ल्ड, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए हम टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोनों ही फ़ोन में मैंने चार्जिंग ऑन कर दिया है और यहाँ पर टाइमर भी स्टार्ट कर देते हैं। तो दोनों में ही जैसे आप देख सकते हैं चार्जिंग का एनिमेशन आ गया है, और यहाँ पे तो 1% चार्ज भी दिखाने लगा है। Realme 6 Pro में अभी भी कुछ दिखा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे भी 1% का एनिमेशन आ गया है। तो अभी हम इन दोनों फ़ोन को 15 मिनट तक चार्ज होने देंगे, और 15 मिनट के बाद देखेंगे कि कौन सा फ़ोन कितना परसेंट चार्ज हुआ है। और ऐसे ही 15-15 मिनट के इंटरवल पर देखेंगे, क्योंकि 10-10 मिनट के इंटरवल पर देखेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। तो हम 15 मिनट के इंटरवल पर चेक करते रहेंगे कि कौन सा फ़ोन कितने परसेंट चार्ज हुआ है। वैसे हाँ, अगर बैटरी देखी जाए तो बैटरी यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max में बड़ी देखने को मिल जाती है, यहाँ पर 5020mAh की बैटरी है। वहीं पर Realme 6 Pro में आपको 4300mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो बैटरी का फ़र्क यहाँ पर देखने को मिल जाता है, मोस्ट सेम है चार्जर, तो कितना फ़र्क पड़ता है चार्जिंग टाइम में। चलिए तो इन दोनों फ़ोन को हम स्विच ऑन भी कर लेते हैं। तो पहले रुको मैक्स को स्विच ऑन कर लेते हैं, नाम इतने बड़े हो गए कंफ्यूजन हो जाता है बोलने में। अभी 6 Pro को स्विच ऑन कर लेते हैं। वैसे आपको यहाँ पे पूरा सेटअप दिख रहा है, मैं भी दिख रहा हूँ देखिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है स्विच ऑन होने में, ये मैंने पहले भी देखा हुआ है। जब Realme का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है तो स्विच ऑन होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको बटन प्रेस करके रखना पड़ता है। टाइम अभी आप देख सकते हैं 3 मिनट हुए हैं। तो चार्जिंग स्टार्ट किए हुए 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं कौन सा फोन कहाँ से पहुँचा है। तो नोट 9 प्रो में पहुँचा है 22% पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 15 मिनट में 22% पे पहुँचा है, तो आई डोंट थिंक कि आधे घंटे में 50% तक पहुँच जाएगा। उसके बाद Realme 6 Pro की बात करें तो ये पहुँच चुका है 29%। तो यहाँ पे आपको 30 वोल्ट का चार्जर मिलता है, बट अभी ये प्रो मैक्स से थोड़ा आगे चल रहा है, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे छोटी देखने को मिल जाती है आपको, और यहाँ पे बड़ी बैटरी है तो इतना डिफरेंस तो देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी हम इसे चार्ज होने देते हैं और आधे घंटे के बाद देख लेते हैं कि कौन सा फ़ोन कितने परसेंट पे पहुँचा है। तो टेस्ट को स्टार्ट करे हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि 30 मिनट में Note 9 Pro में 50% पे पहुंचा है या नहीं, और Realme 6 Pro कितने परसेंट पे पहुंचा है। तो यहाँ पे ये पहुंचा है 43%, जैसे आप देख सकते हैं। तो कंपनी ने जो क्लेम किया था कि 30 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा, वो तो यहाँ पे होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं 43%।
अभी हम रियल मी 6 प्रो को देख लेते हैं। नींद आ रही है मुझे, देखिए। तो ये हुआ है 54% 30 मिनट्स में। देखते हैं इस बार ये कितना टाइम लेता है फुल चार्ज होने के लिए। तो अभी हम वापस चेक करेंगे 45 मिनट्स पे। तो टेस्ट को स्टार्ट करे हुए 45 मिनट्स होने को आए हैं ऑलमोस्ट। तो अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आप सबके लिए लेके आता रहता हूँ। तो यहाँ पे टाइमर आप देख सकते हैं, जैसे ही 45 होता है तो हम एक बार देख लेते हैं कि कितना चार्ज हुआ है, कौन सा फ़ोन और कौन सा फ़ोन आगे चल रहा है, कौन सा फ़ोन पीछे है। चलिए 45 मिनट हो चुके हैं, अभी हम देख लेते हैं कितना चार्जिंग हुआ है। 62% चार्ज हुआ है 45 मिनट में। बैटरी बड़ी है उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही है चार्जिंग स्पीड, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है। देखते हैं फुल चार्ज में कितना टाइम लगाते हैं। रियल मी 6 प्रो की बात करें तो वो यहाँ पे पहुँचा है 77% पे, तो वो काफ़ी आगे है। देखते हैं अभी 100% पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता है। तो एक घंटे के बाद अभी हम चेक करेंगे और देखते हैं कि रियल मी 6 प्रो 100% हुआ है या नहीं। तो टेस्ट को स्टार्ट करे हुए 1 घंटा हो चुका है। तो 1 घंटे में रियल मी 6 प्रो फुल चार्ज हुआ है कि नहीं वो देख लेते हैं पहले। तो नहीं हुआ है, हर बार की तरह इस बार भी 92% पे है जैसे आप देख सकते हैं। तो और ये मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट लगा देगा 100% पहुंचने के लिए। और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स की बात करें तो वो पहुंचा है 79%। तो देखते हैं अभी ये और 80% पे पहुंच चुका है 1 घंटे के बाद। ठीक है, इसमें भी चार्जिंग स्पीड आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। तो चलिए अभी हम वापस चेक करते हैं 10 मिनट के बाद, तब तक शायद रियल मी 6 प्रो फुल चार्ज हो जाएगा। तो 70 मिनट्स के बाद चेक करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। तो टेस्ट को स्टार्ट करे हुए ऑलमोस्ट 80 मिनट्स होने को आए हैं। तो अभी तक Realme 6 Pro फुल चार्ज नहीं हुआ है। कंपनी क्लेम करती है कि 60 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है। तो जब पहली बार मैंने इसका चार्जिंग स्पीड चेक किया था तब इसने कुछ 67 मिनट्स लिए थे फुल चार्ज होने के लिए। उसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर से टेस्ट किया था तो तब इसने कुछ 77 मिनट्स ले लिए थे। और आज जैसे आप देख सकते हैं अभी 99% पे है। टाइम आप देखें तो 80 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो बैटरी की जो चार्जिंग की स्पीड है वो टाइम के साथ यहाँ पे कम हो रही है, वो डेफिनेटली मैंने नोटिस किया है। वहीं पे अभी नोट 9 प्रो मैक्स के बारे में बात करें तो वो यहाँ पे पहुँचा है 94% से। तो देखते हैं इसकी स्पीड वैसे काफ़ी तेज़ है, इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई, जबकि Realme 6 Pro 98% पे पिछले 5 मिनट से था, अब जाके 99% पे पहुंचा है। तो देखते हैं अभी फुली चार्ज होने में और कितना टाइम ले लेता है 99% पे है। तो 85 मिनट्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट और अब जाके यहाँ पे 100% हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं 1 hour and 25 मिनट। तो 85 मिनट लगा दिए फुल चार्ज होने के लिए। तो यहाँ पे चार्जिंग की स्पीड कम होती जाती है जैसे जैसे टाइम होता है, वैसे ये 100% हो गया पर अभी भी यहाँ पे देखिए आप चार्जिंग लिखा हुआ ही आ रहा है, तो मतलब ये कम्प्लीटली चार्ज नहीं हुआ है अभी तक। 100% से दिखाया है बाकी चार्जिंग अभी भी इसका चालू ही है। देखते हैं कितना टाइम लगाता है। ये आखिरी के 2% में इसने ऑलमोस्ट 12 से 13 मिनट ले लिए हैं। और यहाँ पे हम देखें ये पहुँच चुका है 97% पे। ये लास्ट में भी काफ़ी तेज़ी से चार्ज हो रहा है, अभी देखते हैं ये यहाँ से कितना स्लो हो जाता है।
98 हो चुका है, तो टाइम हुआ है 86 मिनट। तो 91 मिनट पे जैसे आप देख सकते हैं ये 100% चार्ज हो चुका है Redmi Note 9 Pro Max। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग का एनिमेशन चला गया है, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 100% तो दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग अभी भी आ रहा है, ये मतलब अभी भी चार्ज नहीं हुआ है, तो ये सरप्राइजिंग बात है। बैटरी यहाँ पे छोटी है पर चार्जिंग में टाइम ज़्यादा लगा रहा है, तो जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे इसका चार्जिंग का टाइम बढ़ रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे सरप्राइजिंग लगी है। तो एक घंटा और 34 मिनट के बाद जाके जब फुल चार्ज हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी चार्ज लिखा हुआ आ गया है, केबल अभी कनेक्टेड ही है। तो Realme 6 Pro ने सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, ऑलमोस्ट 95 मिनट्स ले लिया है, तो ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा है। तो धीरे धीरे इसका चार्जिंग टाइम बढ़ रहा है। Note 9 Pro में यहाँ पे विनर निकल के आता है क्योंकि उसने पहले चार्ज कंप्लीट कर लिया था, और यहाँ पे 98% से लेकर 100% चार्ज होने के लिए पूरे 20 मिनट लगा दिए। वहीं पे ये फ़ोन काफ़ी तेजी से चार्ज हुआ है, ट्रिपल चार्ज जो बोलते हैं वो भी, और यहाँ पे बैटरी भी बड़ी देखने को मिलती है, फिर भी Note 9 Pro में यहाँ पे जल्दी चार्ज हो गया है। तो यहाँ पे रिजल्ट्स कुछ शॉकिंग निकल के आए हैं। Realme 6 Pro जो कि एक घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा ऐसा कंपनी क्लेम करती थी, और इसका मैंने पहले टेस्ट भी किया हुआ है, तो कभी 60 मिनट्स, कभी 65 मिनट्स, कभी 75 मिनट्स में हो जाता था चार्ज, पर आज इसमें सरप्राइजिंगली 95 मिनट्स हो गई है, जो कि होता है 1 घंटा और 35 मिनट, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आज। वहीं पे Note 9 Pro Max में फुल चार्ज होने के लिए लिए है 1.5 घंटा, तो 90 मिनट्स लिए है Note 9 Pro Max में, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे बैटरी भी आपको बड़ी देखने को मिल जाती है, चार्जर 33 वोल्ट का है, यहाँ पे 30 वोल्ट का है, बट यूजुअली जो Realme के फ़ोन होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से चार्ज होते हैं, पर यहाँ पे आज ऐसा नहीं हुआ है, और ये Redmi का जो है Note 9 Pro Max वो यहाँ पे आगे निकल गया है। तो बस यही था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको गाइस ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और जैसे आप देख सकते हैं टाइम भी अभी रात का 1 बज रहा है, और मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।